Hi, this is Noman Ijaz. इस प्रोग्राम को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए और आगे इसको सब्सक्राइब कीजिए. जो उन्होंने कहा हम सब कह रहे हैं कि उन्हें इस तरह नहीं कहना चाहिए था. देखिए, मैं ये ज़ाती तौर पर समझता हूँ. एक तो जो मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, हम जो बात है ना, हम उस बात को निगेट कर सकते हैं. एग्जैक्टली. ठीक है, बात से हम तो नहीं रोक सकते हैं कि भाई आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए. आपने जो बात की है वो इतने परसेंट ठीक है, इतने परसेंट ठीक नहीं है, और वो मेरे ख्याल में नहीं. अभी अच्छा, कुछ ये भी होता है कि हम अल्फाजों का चुनाव जो करते हैं वो मुनासिब नहीं होता. वही तो हम ये भी कह सकते थे, और लहजा मुनासिब नहीं था. हम ये भी कह सकते, एक्चुअली हम ये भी कह सकते थे कि वो उनको आप मैच्योर रोल्स करने चाहिए ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम. और मैं आपको मजे की बात बताऊँ, खैर पहले ये बात कर लेते. मसला ये है कि हम क्यों चाहते हैं कि जो मैं जैसी सोच रखता हूँ सब वैसी ही सोच रखता और माने और आपकी बात अच्छा माने. हम उस ओपिनियन के ऊपर गुफ्तगू नहीं करते. हम पहले जिसने वो ओपिनियन दिया होता है उसकी किरदार कशी करते हैं. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल. किरदार कशी इज रॉन्ग. अगर मेरा किसी के साथ एक बुरा एक्सपीरियंस सेट पर रहा है वो एक सेपरेट इशू है. That's personal उस, अच्छा, between us. This is one of the reason I don't go to the shows, I don't talk about people, I don't discuss them, I don't like it because हम you are above all this, Nomina. हमारा मसला ये है कि हम उस आदमी के ऊपर तनकीद शुरू कर देते हैं, ना कि उस गुफ्तगू के ऊपर, उस मौजू के ऊपर. हम मौजू से बिल्कुल हट जाते हैं. Absolutely so, right. इसलिए मैं शायद इन चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करता. मेरे लिए वो एक उस्ताद की हैसियत रखते हैं, हम उनकी बहुत और मैं बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, मैं इज्जत करता हूँ. और इट्स इधर फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में उन्होंने बात की. अल्लाह तबारक जिसको रब ने इज्जत दे दी तो उसकी इज्जत करना हम सब पे लाजिम है. और इसमें कोई शुबा ही नहीं है कि ना तो वो बड़ी लगती है, एक नंबर वन, और दूसरी वो सुपरस्टार है. वेल शी केप्ट हरसेल्फ ग्रेट एंड शी लुक्स ग्रेट ऑन द स्क्रीन. देखिए लेकिन अनफॉर्चुनेट मियार जो है ना इफजी, जो मैं जाती तौर पे समझता हूं, जरूरी नहीं है कि मेरी परफॉर्मेंस सबको अच्छी लगे. बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं भी अच्छी लगती है, नहीं भी लगती होगी. मैं एक वैसे बात कर रहा हूँ जनरली. सो जरूरी नहीं है. सो हर बंदे की कल लेवल डिफरेंट है. किसी को आपको वो पसंद नहीं कर रहा, किसी को मैं पसंद हूँ, बनाने वाली किसी को मैं बहुत बुरा लगता हूँ, किसी को मैं. बट व्हाट मोमिना डिड, देखिए दैट्स द रियल इशू व्हिच इज हमारे व्हिच आई फाइंड इज वेरी अननेसेसरी. दैट व्हाट आई पर्सनली बिलीव इज दैट्स द टॉलरेंस लेवल. टॉलरेंस खत्म हो गई है. देखिए व्यूअर मैंने नहीं बनाया, व्यूअर जिनके बारे में बात हुई उन्होंने नहीं बनाया. जिन्होंने की है बात, हाँ उन लोगों ने व्यूअर्स बनाए हैं. जब सिंगल टीवी चैनल था उन okay. लोगों के बनाए हुए व्यूअर्स मेरे तक पास ऑन हुए और मेरे से अब आगे जो यंगस्टर है उसको पास exactly, और यंगस्टर्स भी तो और आगे कम से कम फिर नहीं करनी चाहिए. अगर किसी ने कोई बात गलत कर दी है, बाय मिस्टेक ही कर दी है, या डिलिबरेटली कर दी है, पर्दा डाल दो ना यार. मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों ने तो देखा नहीं था. मोमिना के बाद सबने देखा है. सो वो मैंने तो देखा ही नहीं था. वही वाली बात है ना, हमने हवाई इतनी दे दी उस मौजू को. अच्छा अब ये मौजू ऐसा है कि जिसको पॉजिटिवली भी वो कैश कर सकते हैं अगर बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखा जाए. really? एक हाई क्रिएट करके और उसको नेगेटिव भी वो उसके मैं तो डिसाइड करने वाला कोई नहीं होता. लेकिन मुझे ये ज़ाती तौर पे लगता है कि हाँ उस मूवी के लिए भी हेल्प हो सकती है कि एक आदमी को और उसके लिए गलत भी हो सकता है. सो इट्स अ गैम्बल, इट्स अ गैम्बल. एक जुआ है जो खेला है. अगर उस बात को दबा देते जो कि बहुत जरूरी था, दबा देना चाहिए था, तो मेरे ख्याल में शायद मतलब अकलमंदी का तकाजा ये था कि उस बात को दबा देना चाहिए.